और ये डॉक्यूमेंट है, ये जो गवर्नमेंट का ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है PIB का, इससे मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इसमें से हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आज जो आ सकते हैं। एक्चुअली नाबार्ड में क्या है कि बजट से बजट है, इकोनॉमिक सर्वे है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं और काफ़ी क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। तो हम शुरू में एक एक इसका, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट है इसका एक एक लाइन एक क्वेश्चन बन सकता है, तो हम पूरा डॉक्यूमेंट डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इंडियाज़ इकोनॉमिक ग्रोथ एस्टिमेटेड एट 9.2% टू बी द हाइस्ट अमंग और लार्ज इकोनॉमीज। तो आपको एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एग्जाम में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अकॉर्डिंग टू बजट 2022-23 व्हाट इज इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ एस्टिमेशन, है ना, उसमें आपका आएगा 9.2%। ठीक है, अब जैसे कि इकोनॉमिक सर्वे में शायद इसका ये दूसरा 8.5 ऐसे कुछ दिया हुआ है, लेकिन बजट के हिसाब से 9.2% है, तो आपको ये याद रखना और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। 60 लाख न्यू जॉब्स टू बी क्रिएटेड अंडर द प्रोडक्टिविटी लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम इन 14 सेक्टर्स। ठीक है, तो अब इस लाइन में दो क्वेश्चन बन सकते हैं, एक तो कितने जॉब, तो 60 लाख न्यू जॉब्स क्रिएटेड हैं, जो पीला स्कीम आई थी ना डिफरेंट सेक्टर्स में, जैसे आपने देखा होगा जैसे स्टील सेक्टर में है, ऑटो सेक्टर में है, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में है, फार्मा सेक्टर में है, और ये कितने सेक्टर्स में है, तो ये 14 सेक्टर है ना, ये दूसरा क्वेश्चन बनता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अभी ये है कि पीलाई स्कीम्स हैव द पोटेंशियल टू क्रिएट एन एडिशनल प्रोडक्शन ऑफ ₹30 लाख करोड़। अब ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पीएलआई स्कीम्स हैव द पोटेंशियल टू क्रिएट डैश एडिशनल प्रोडक्शन, है ना, तो 30 लाख करोड़ का एडिशनल प्रोडक्शन क्रिएट करने की कैपेसिटी है पीएलआई स्कीम, है ना, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि ये काफ़ी अभी भी आप न्यूज़पेपर वगैरह में पढ़ते होंगे पीएलआई की काफ़ी न्यूज़ आती है ना, तो उसमें जो बजट में क्या अनाउंसमेंट हुआ वो काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है, और जो कई बार जो एग्जामिनर हैं क्वेश्चन जो आते हैं एग्जाम्स में वो डायरेक्टली इस डॉक्यूमेंट से, आपने जो लोग एग्जाम दे रहे हैं उन्होंने देखा होगा काफ़ी क्वेश्चन आपसे ऑलरेडी पूछे भी गए होंगे। एंटरिंग अमृतकाल द 25 ईयर्स लॉन्ग लीड अप टू इंडिया एट 100 द बजट प्रोवाइड्स इंपैक्ट फॉर ग्रोथ अलोंग 4 प्रायोरिटीज। ठीक है, अभी जैसे आप कोई ऐसे भी लिख रहे हो, कुछ भी अगर डिस्क्रिप्टिव भी लिख रहे हो, तो उसमें भी ये चीज़ें मैंशन कर सकते हो आप कि अपना जो बजट में 4 प्रायोरिटीज़ कौन सी बताई गई है। ठीक है, तो इसमें तो PM गति शक्ति है। PM गति शक्ति क्या है, जो ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर के जो भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनको थोड़ा मतलब स्पीड उनको करना हो, स्पीड से वो हो जाए, इसलिए एक गतिशक्ति प्लान लॉन्च किया था गवर्नमेंट ने, आपने पढ़ा होगा। इंक्लूसिव डेवलपमेंट क्या होता है, सबको सबका साथ सबका विकास। थर्ड है प्रोडक्टिविटी इन्हेंसमेंट एंड इन्वेस्टमेंट सनराइज अपॉर्चुनिटी एनर्जी ट्रांजिशन एंड क्लाइमेट एक्शन, इसमें डिफरेंट ये है, ये थर्ड पॉइंट है। और चौथा है फाइनेंसिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट, जो भी इन्वेस्टमेंट है उनको फाइनेंस करना। ठीक है, अभी ये चार हैं, इसके बेस पे ये डॉक्यूमेंट पे आगे फिर इनका डिटेल में दिया गया है। तो अब चलिए हम फर्स्ट पे चलते हैं, PM गतिशक्ति। द 7 इंजन्स दैट ड्राइव PM गतिशक्ति आर रोड, रेलवेज, एयरपोर्ट, स्पोर्ट्स, मास ट्रांसपोर्ट, वाटरवेज एंड लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, तो अब आपको ये पूछा जा सकता है PM गतिशक्ति में 7 इंजन्स कौन से हैं। तो वैसे तो ये क्वेश्चन शायद नहीं आएगा कितने इंजन्स हैं, ऐसा कुछ नहीं आएगा, बट स्टिल जैसे आपको डिस्क्रिप्टिव आंसर लिख रहे हो तो डिस्क्रिप्टिव आंसर में आप ये चीज़ मेंशन कर सकते हो कि PM गतिशक्ति में 7 कंपोनेंट्स है, जिससे आप ये फैक्ट्स अगर उसमें मेंशन करोगे ना तो आपको अच्छे मार्क्स आएंगे और एक आपका आंसर इफेक्टिव होगा। ठीक है, जैसे रोड है, रेलवेज है, एयरपोर्ट्स है, पोर्ट्स है, मास ट्रांसपोर्ट, वाटरवेज एंड लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, ये PM गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान जो हमने बात करी थी। ठीक है, द स्कोप ऑफ PM गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान विल इनकम्पास द 7 इंजन्स फॉर इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन, सीमलेस मल्टी मोड कनेक्टिविटी एंड लॉजिस्टिक इफिशियंसी। द प्रोजेक्ट्स pertaining to these 7 engines in the national infrastructure pipeline will be aligned with PM Gati Shakti framework. आपको पता होगा ये 100 लाख करोड़ का एक वो काफ़ी प्रोजेक्ट्स है जिसमें देखा होगा, जैसे रोड्स थे, इरीगेशन थे, इसके अलावा जैसे पोर्ट्स थे, डिफरेंट सेक्टर में था। ठीक है, तो उसका नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट वर्जन ही PM Gati Shakti था, मतलब जो भी प्रोजेक्ट नेशनल NIP नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन में थे उनको गति प्रोवाइड करना, मतलब स्पीडी करना उनको। अब सेकंड है फर्स्ट, अभी रोड ट्रांसपोर्ट है इसमें, और इसमें जो
₹20,000 20,000 crore टू बी मोबिलाइज फॉर नेशनल हाईवे नेटवर्क एक्सपांसन। तो इसको नेटवर्क को एक्सपांसन करने के लिए कितने करोड़ रुपीज़ हैं वो मोबिलाइज किए जाएंगे, वो है 20,000 crore। ठीक है, फिर उसके बाद है मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कॉन्ट्रैक्ट टू बी अवार्डेड थ्रू PPP मॉडल इन 2022-23 फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क्स एट 4 लोकेशन। ठीक है, तो मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क्स हैं वो कितने लोकेशन पे एस्टैब्लिश किए जाएंगे, 4 लोकेशन पे। ठीक है, अब इसके बाद आता है रेलवेज। है ना, आपने ये सोचा होगा ना वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ऐसे ही वन स्टेशन वन प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट टू बी हेल्प लोकल बिजनेस एंड सप्लाई चेन। ठीक है, 2000 किलोमीटर ऑफ रेलवे नेटवर्क टू बी ब्रॉड अंडर कवच द इंडियन वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी एंड कैपेसिटी ऑगमेंटेशन 2022-23। अब ये इसमें कवच में क्या है कि वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करने वाला है, उससे जो एक्सीडेंट वगैरह है वो कम होंगे। तो 2000 किलोमीटर का जो रेलवे नेटवर्क है उसको इस कवच के अंदर लाया जाएगा। तो ये क्वेश्चन बनता है यहाँ पे कि कितने किलोमीटर का जो रेलवे नेटवर्क है उसको कवच के अंदर लाया जाएगा। ठीक है, 2022-23 में ये, तो इसका आंसर क्या होगा, 2000 किलोमीटर। ठीक है, 400 न्यू जनरेशन वंदे भारत ट्रेन्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड ड्यूरिंग द नेक्स्ट 3 ईयर्स। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि वंदे भारत एक्सप्रेस आप अभी आपने देखा होगा ना, अपने जो प्राइम मिनिस्टर उन्होंने काफ़ी जगह लॉन्च करी है, तो ये करंट न्यूज़ में चल रहा है। तो उस न्यूज़ में चलने के कारण ये बजट का जो अनाउंसमेंट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है यहाँ पे, है ना, कि कितने न्यू जनरेशन वंदे भारत ट्रेन टू बी मैन्युफैक्चर्ड ड्यूरिंग नेक्स्ट 3 ईयर्स। है ना, तो एक तो 400 न्यू जनरेशन वंदे भारत ट्रेन्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड एंड कितने साल में, नेक्स्ट 3 ईयर्स। ठीक है, तो दो इस एक लाइन में दो क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, 3 ईयर्स एंड 400 न्यू जनरेशन वंदे भारत ट्रेन। ठीक है, नेक्स्ट है 100 PM गति शक्ति कार्गो टर्मिनल्स फॉर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक टू बी डेवलप ड्यूरिंग द नेक्स्ट 3 ईयर्स। अभी नेक्स्ट 3 ईयर्स में एक काम और होने वाला रेलवे में, वो होने वाला 100 PM गति शक्ति कार्गो टर्मिनल्स फॉर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स। कार्गो टर्मिनल्स मतलब एक तो रेलवे स्टेशन होते हैं वहाँ पे, मतलब जो पैसेंजर्स के लिए एक कार्गो टर्मिनल्स बनेंगे, जैसे कि पोर्ट्स होते हैं वैसे ही रेलवे के लिए कार्गो टर्मिनल्स बनेंगे, वहाँ पे माल की लाना ले जाना जो ढुलाई है उसके वो डिपो होंगे। ठीक है, ये रेलवे का होगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट पे चलते हैं, पर्वतमाला। ठीक है, पर्वतमाला मतलब जो हिल एरिया पे जो भी कुछ ट्रांसपोर्ट्स का कुछ काम होने वाला है उससे रिलेटेड। ठीक है, तो ये देख लेते हैं, नेशनल रोपवे डेवलपमेंट प्रोग्राम पर्वतमाला टू बी टेकन अप ऑन PPP मॉडल। मतलब जो पर्वतमाला मतलब एक जगह से दूसरे, क्योंकि पहाड़ों में क्या होता है जो सड़कें वगैरह बनाने में कुछ दिक्कत होती है, तो कई बार क्या है रोपवे की मदद ली जाती है उसके लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए या फिर लोगों को मूव करने के लिए, तो वो उस पर काम किया जाएगा PPP मॉडल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट टू बी अवार्डेड इन 2022-23 फॉर 8 रोपवे प्रोजेक्ट्स ऑफ 60 किलोमीटर लेंथ। अब 2022-23 में रोपवे इस सेक्टर में क्या होने वाला है कि 8 रोपवे प्रोजेक्ट्स हैं वो 60 किलोमीटर लेंथ के, उसके प्रोजेक्ट कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किए जाएंगे, मतलब उसके कॉन्ट्रैक्ट दिए जाएंगे 8 प्रोजेक्ट्स के। ठीक है, 60 किलोमीटर लेंथ, तो ये भी एक क्वेश्चन बनता है कितने प्रोजेक्ट किए जाएंगे, 8 रोपवे प्रोजेक्ट का कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया जाएगा। ठीक है, लेंथ शायद इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर स्टिल जो 8 रोपवेज हैं वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अभी हमने ये एक कर लिया ना, PM गति शक्ति नेक्स्ट मास्टर प्लान है ना, ये 4 थे ना, 4 में से एक हो गया। अभी हम जा रहे हैं इंक्लूसिव डेवलपमेंट। ठीक है, हर कंपोनेंट के अंदर डिफरेंट चीज़ें हैं, तो अभी हम सेकंड पे जा रहे हैं। ठीक है, सेकंड है इंक्लूसिव डेवलपमेंट। अब ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें एग्रीकल्चर वगैरह दो चीज़ें आएंगी, तो ये NABARD और जो IPS FO एग्ज़ाम है उन लोगों के लिए ये काफ़ी ध्यान आप ध्यान दीजिए इसमें, है ना। तो चलिए हम देखते हैं एग्रीकल्चर में, देखते हैं ₹2.37 लाख करोड़ डायरेक्ट पेमेंट टू 1.63 करोड़ फार्मर्स फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ वीट एंड पेडी। अब ये चीज़ है कि ये जैसे MSP वाली चीज़ आती है ना यहाँ पे, तो आपको डिस्क्रिप्टिव में कोई आंसर लिख रहे हो तो इसमें यह चीज़ लिख सकते हो कि इतने फार्मर्स को इतने मतलब ₹2.37 लाख करोड़ का डायरेक्ट पेमेंट किया गया वाइल प्रोक्योरिंग वीट एंड पेडी। ठीक है, नेक्स्ट है केमिकल फ्री नेचुरल फार्मिंग टू बी प्रमोटेड थ्रू आउट द कंट्री, इनिशियल फोकस इज ऑन फार्मर्स लैंड इन 5 किलोमीटर वाइड कॉरिडोर अलोंग रिवर गंगा। सो अभी इस लाइन में अभी ये क्वेश्चन बन सकता है कि इनिशियल में अब गंगा के किनारे जो 5 किलोमीटर का एरिया है उसको केमिकल फ्री नेचुरल फार्मिंग में लाया जाएगा। ठीक है, तो कितने किलोमीटर में, अभी ये चीज़ भी ऐसी आ सकती है, स्पेशली जो NABARD का जो ESI ERD का में जो पेपर है उसमें ऑब्जेक्टिव में जैसे पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो आपको वहाँ पे पूछा जा सकता है, NABARD ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है। ठीक है, NABARD टू फैसिलिटेट फंड एंड
विथ ब्लेंडेड कैपिटल टू फाइनेंस स्टार्टअप फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल एंटरप्राइजेस। नेक्स्ट पॉइंट हम देख रहे हैं नाबार्ड टू फैसिलिटेट फंड विद ब्लेंडेड कैपिटल टू फाइनेंस स्टार्टअप फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल एंटरप्राइजेज। ठीक है, तो नाबार्ड क्या फैसिलिटेट करेगा, जो भी एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट जो स्टार्टअप्स हैं उनको कुछ इनिशियल जो सीड फंड है वो देगा, ताकि वो उसमें नए स्टार्टअप बन सके और एग्रीकल्चर में जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं उसमें कुछ काम हो सके। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं किसान ड्रोप्स फॉर क्रॉप असेसमेंट डिजिटलाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स स्प्रेइंग ऑफ इंसेक्टिसाइड्स एंड न्यूट्रिएंट्स। अब किसान ड्रोप्स ये काफ़ी न्यूज़ में था, इसको आप थोड़ा ध्यान से देख लें क्योंकि इसका अनाउंसमेंट हो चुका है और इसमें कुछ ये भी है कि कितनी सब्सिडी दी जाएगी और जैसे कि कॉलेज यूनिवर्सिटीज हैं उनको कितनी दी जाएगी, इंडिविजुअल को कितनी जाएगी, ये डिटेल में देख लीजिए, इसमें से क्वेश्चन आने का पूरा चांस है। और इसमें एसए वगैरह भी आ सकता है किसान ड्रोन, मतलब इसमें एक तो ये होगा ना टेक्नोलॉजी मतलब इन एग्रीकल्चर, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है मतलब एसए, तो उसमें आप ये चीज़ मेंशन कर सकते हो, है ना। ठीक है, अभी एग्रीकल्चर इंक्लूसिव डेवलपमेंट में है केन बेतवा प्रोजेक्ट, मतलब इरीगेशन से रिलेटेड है, तो 1400 करोड़ आउटले फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट। अभी ये केन बेतवा लिंक जो रिवर लिंकिंग का अपना गवर्नमेंट का काफ़ी दिनों से चल रहा है, तो उसमें केन बेतवा को लिंक करने की इस बजट में बात की गई थी, तो उसके लिए जो आउटले वो कितना है 1400 करोड़। अब ये आपको याद रखना है कौन सी दो नदियों को इंटरलिंक करना है, केन एंड बेतवा। ठीक है, इसका बजट कितना है 1400 करोड़। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं 9.08 लाख हेक्टेयर ऑफ फार्मर्स लैंड टू रिसीव इरीगेशन बेनिफिट्स बाई केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट। ठीक है, अभी फिर से मैं नाबार्ड की जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उनकी बात करूँ, इसमें आपको एक पैराग्राफ दे सकते हैं। ठीक है, अभी इस क्वेश्चन में तीन क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, आपको एक पैराग्राफ देंगे कि रिवर लिंकिंग में ये होता है, रिवर लिंकिंग से ये बेनिफिट होता है, फिर आपसे बीच में ये टेस्ट दे देंगे या फिर उससे उसके नीचे कुछ आपको एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन देंगे, उसमें पूछ लेंगे अभी कौन सी नदियों का लिंकिंग का गवर्नमेंट ने अनाउंस किया बजट में। ठीक है, उसके आउटले कितना है और फिर इस लिंकिंग से कितने हेक्टेयर जो लैंड है वो बेनिफिट होगी, तो वो होगी 9.08 लाख हेक्टेयर। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है नाबार्ड और जो IFSFO हैं उनके लिए। IFSFO में मोस्टली यही पूछ सकते हैं कि 1400 करोड़, ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अभी इंक्लूसिव डेवलपमेंट था, इसमें आता है MSME, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज। ठीक है, तो MSME के सेक्टर में जो बजट है उसमें क्या अनाउंसमेंट हुआ था, उद्यम ई श्रम NCS एंड असीम पोर्टल्स टू बी इंटरलिंक्ड। अभी ये MSME सेक्टर में ये डिफरेंट पोर्टल्स हैं, तो उनको इंटरलिंक किया जाएगा, इंटरलिंक करके मतलब डाटा इंटीग्रेशन करके उनका एक जो मॉनिटरिंग वो बेटर हो सके। तो ये आपसे पूछने चार ऑप्शन दे देंगे कि बजट में जो अनाउंसमेंट हुआ कौन कौन से पोर्टल्स को इंटरलिंक, इनमें से कौन सा नहीं है, चार दे देंगे आपसे, एक दूसरा दे देंगे तो वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 130 लाख MSME प्रोवाइडेड एडिशनल क्रेडिट अंडर इमरजेंसी क्रेडिट लिंक गारंटी स्कीम। ये ECLGS आपने पढ़ा होगा, कोविड के टाइम पे गवर्नमेंट ने शुरू की थी, तो इसमें कितनी MSME को जो बेनिफिट है वो प्रोवाइड हुआ था, वो हुआ था 130 लाख MSME को। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ECLGS टू बी एक्सटेंडेड अप टू मार्च 2023। ठीक है, तो बजट में ये बोला गया है कि जो कोविड के टाइम पे ECLGS जो स्कीम शुरू की गई थी उसको एक्सटेंड किया गया है मार्च 2023 तक। तो ये भी एक क्वेश्चन बनता है। ठीक है, कितनी MSME इससे बेनिफिट हुई 130 लाख, और कब तक इसको एक्सटेंड किया है, मार्च 2023 तक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। गारंटी कवर अंडर ECLGS टू बी एक्सपेंडेड बाई ₹50,000 करोड़ टू टोटल कवर ऑफ ₹5 लाख करोड़। ठीक है, इसमें जो गारंटी कवर है अंडर ECLGS स्कीम इसको एक्सपांड किया गया है कहाँ से कहाँ तक, 50,000 करोड़ से 5 लाख करोड़ तक। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। ₹2 लाख करोड़ एडिशनल क्रेडिट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज टू बी फैसिलिटेटेड अंडर द क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज। ठीक है, CGTMSE ये क्रेडिट गारंटी फंड है माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज के लिए। तो इसमें कितने एडिशनल क्रेडिट का प्रावधान रखा गया है, तो वो है ₹2 लाख करोड़। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट है रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग MSME परफॉर्मेंस प्रोग्राम विद आउटले ऑफ ₹6,000 करोड़ टू बी रोल्ड आउट। ठीक है, अब एक तो रेम का मतलब इसका ये पूछ लेंगे कि रेम का क्या मीनिंग है, तो रेजिंग एंड एक्सेलरेटेड MSME परफॉर्मेंस। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसमें कितना आउटले रखा गया है, तो वो आउटले है ₹6,000 करोड़ का। ठीक है, अभी इंक्लूसिव डेवलपमेंट भी चल रहे हैं अपना ना, सेकंड पे जो चार पॉइंट थे ना उसमें सेकंड पे चल रहे हैं। अभी इसमें है स्किल डेवलपमेंट। ठीक है, तो स्किल डेवलपमेंट में फिर से एक ये आ गया, इसमें डिजिटल इकोसिस्टम फॉर स्किल एंड लाइवलीहुड। ठीक है, देश
AESH स्टेक ई पोर्टल विल बी लॉन्च टू एम्पावर स्टूडेंट्स टू स्किल रिस्किल अपस्किल थ्रू एन ऑनलाइन ट्रेनिंग। ठीक है, तो ये एक पोर्टल लॉन्च किया गया है जिससे कि लोगों को स्किल रिस्किल और अपस्किल किया जा सके। ठीक है, तो उस पोर्टल का क्या, आपको एक तो एक फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं कि डेस DESH की फुल फॉर्म क्या है। ऐसे क्वेश्चन मतलब आपको PO में आ सकता है और SBI क्लर्क के मेंस में आ सकता है। ठीक है, तो ये डिजिटल इकोसिस्टम फॉर स्किलिंग एंड लाइवलीहुड। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। स्टार्टअप्स विल बी प्रमोटेड टू फैसिलिटेट ड्रोन शक्ति एंड फॉर ड्रोन एज ए सर्विस ड्रास। ठीक है, ड्रोन एज ए सर्विस, ठीक है, ड्रास का फुल फॉर्म है ना, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, अब इंक्लूजिव वाले में आप नेक्स्ट पे चलते हैं। एजुकेशन है ना, एजुकेशन में क्या अनाउंसमेंट हुआ। वन क्लास वन TV चैनल प्रोग्राम ऑफ PM विद्या टू बी एक्सपांडेड टू 200 TV चैनल्स। ठीक है, ये जो ई विद्या प्रोग्राम था ये काफ़ी दिनों से चल रहा है, आपको पता होगा है ना, तो इसको 200 TV चैनल्स तक एक्सपांड किया जाएगा, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं उसे बेनिफिट हो सकें। ठीक है, तो PM विद्या के बारे में भी आप पढ़ लीजिए, स्कीम कब शुरू हुई थी। ठीक है, और अभी बजट में इसमें के लिए क्या अनाउंसमेंट है, वो है कि 200 TV चैनल्स में इसको एक्सपांड किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। वर्चुअल लैब्स एंड स्किलिंग ई लैब्स टू बी सेटअप टू प्रमोट क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स एंड सिमुलेटेड लर्निंग एनवायरनमेंट। वर्चुअल लैब्स एंड स्किल ई लैब्स टू बी सेटअप। वर्चुअल लैब्स मतलब क्या होता है, वर्चुअल मतलब आप सिमुलेशन से कोई भी चीज़ को सीख सकते हो, जैसे कोई फैक्ट्री में क्या काम हो रहा है उसको सिमुलेट कर सकते हो आप। इनपुट एक इनपुट डमी इनपुट दे के उसका आउटपुट क्या निकल सकता है वो प्रोसेस उसको दे सकते हो, उसको बोलता है सिमुलेशन एंड वर्चुअल लैब्स। ठीक है, नेक्स्ट है हाई क्वालिटी ई कॉन्टेंट विल बी डेवलप्ड फॉर डिलीवरी थ्रू डिजिटल टीचर्स। मतलब जो डिजिटल टीचर्स हैं उनके थ्रू हाई क्वालिटी ई कॉन्टेंट विल बी डिलीवर्ड फॉर डिलीवरी थ्रू इट। मतलब अभी ऑनलाइन में है तो जो अच्छे टीचर्स हैं वो काफ़ी स्टूडेंट्स तक पहुँच सकते हैं, तो उनको कंटेंट को जो क्वालिटी कंटेंट है उसको डिलीवर किया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ये एक्चुअली जो मैंने ज़्यादा डार्क किया है वो थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वैसे तो पूरा इंपॉर्टेंट है, स्टिल उस पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, डिजिटल यूनिवर्सिटी फॉर वर्ल्ड क्लास क्वालिटी यूनिवर्सल एजुकेशन विद पर्सनलाइज्ड लर्निंग एक्सपीरियंस टू बी एस्टैब्लिश्ड। डिजिटल यूनिवर्सिटी फॉर वर्ल्ड क्लास क्वालिटी यूनिवर्सल एजुकेशन विद पर्सनलाइज्ड लर्निंग एक्सपीरियंस। ठीक है, डिजिटल यूनिवर्सिटीज एस्टैब्लिश की जाएंगी ताकि जो एजुकेशन है वो उसको तो आपने डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम के बारे में सुना होगा, एक डिजिटल नेशनल डिजिटल हेल्थ रजिस्ट्री वगैरह भी एक बनाने की बात चल रही है, उसको आप पढ़ लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें कुछ ऐसे वगैरह भी इस पर लिखा आपको पूछ सकते हैं, तो उसके बारे में पढ़ लीजिए। तो एक ओपन प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा, मतलब इसमें क्या है कि पूरा जो अपने जो भी एक पेशेंट होता है उसके डिफरेंट रिपोर्ट्स होती हैं, उसका पुराना जो डाटा होता है उसका एक यूनिक ID बनेगा और उसमें उसका एक रजिस्ट्री में पूरा डाटा रहेगा। तो फिर वो फ्यूचर में कभी किसी भी डॉक्टर के पास जाए तो क्या होता है उसका जो डाटा है वो डॉक्टर उसको चेक कर सकता है पुरानी रिपोर्ट्स के आधार पे, और वो बेटर उसको सर्विस दे सकता है, मतलब बेटर उसका डायग्नोसिस हो सकता है, और उसके जो ऑलरेडी उसके जो चेक मतलब चेकअप्स करवाए होते हैं उसको फिर से करवाने की जरूरत नहीं पड़ती है, मतलब एक कॉस्ट सेविंग की चीज़ है। ठीक है, हेल्थ में नेक्स्ट सेकेंड वाला है नेशनल टेले मेंटल हेल्थ प्रोग्राम फॉर क्वालिटी मेंटल हेल्थ काउंसलिंग एंड केयर सर्विस टू बी लॉन्च्ड। अब मेंटल हेल्थ का प्रॉब्लम काफ़ी है, मतलब आप सपोज सुसाइड इसकी वजह से सुसाइड भी होते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये इसकी जो फैसिलिटीज पहुँचने के लिए क्या किया गया, नेशनल टेले मेंटल हेल्थ, मतलब एक टेले से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि एक काउंसलिंग की जाएगी ऑनलाइन या फिर जो थ्रू फोन, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं उसका बेनिफिट उठा सकें, तो ये एक करके एक प्रोग्राम उसमें अनाउंस किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। ए नेटवर्क ऑफ 23 टेले मेंटल हेल्थ सेंटर ऑफ एक्सलेंस विल बी सेटअप विद NIMHANS बींग द नोडल सेंटर फॉर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेंगलोर प्रोवाइडिंग टेक्नोलॉजी सपोर्ट। ठीक है, अभी एक इंस्टीट्यूट है मेंटल हेल्थ का, ये इसका आपका फुल फॉर्म आप देख लीजिए गूगल करके। ठीक है, तो 23 टेले मेंटल हेल्थ सेंटर्स ऑफ एक्सलेंस सेटअप किए जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे इस लाइन में एक क्वेश्चन बनता है, एक तो ये प्रोग्राम, ये दोनों चीज़ हो गई है ना, तो एक तो इस प्रोग्राम का क्या नाम है, नेशनल टेले मेंटल हेल्थ प्रोग्राम है। अब आपको चार ऑप्शन दे देंगे, है ना, और इसी प्रोग्राम में इसमें कुछ हटा देंगे, नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम है, नेशनल टेले मेंटल हेल्थ प्रोग्राम है, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम है वो अनाउंस हुआ है, और उसमें कितने सेंटर एस्टैब्लिश किए जाएंगे तो वो है 23। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अभी हेल्थ में नेक्स्ट चलते हैं। सक्षम आंगनबाड़ी। ठीक है, इंटीग्रेट बेनिफिट्स टू वुमन एंड चिल्ड्रन थ्रू मिशन शक्ति मिशन वात्सल्या।
कोमा सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0, ठीक है। इंटीग्रेटेड बेनिफिट दिया जाएगा वुमेन एंड चिल्ड्रन को, उसमें जो डिफरेंट मिशन है गवर्नमेंट के, मिशन शक्ति है, मिशन वात्सल्य है, सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0 को इंटीग्रेट करके, मतलब उनको एक साथ लाके, ठीक है। 2 लाख आंगनवाड़ीज टू बी अपग्रेडेड टू सक्षम आंगनवाड़ीज, ठीक है। अब ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इतना बन नहीं रहा था, जैसे आप सक्षम आंगनवाड़ी में आप देखोगे तो फर्स्ट लाइन है वो दैट इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, बट सेकंड लाइन में 2 लाख मतलब एक नंबर आ गया, तो नंबर आपसे पूछा जा सकता है कितने आंगनवाड़ीज को सक्षम आंगनवाड़ीज में कन्वर्ट किया जाएगा, ठीक है। तो वो है 2 लाख, 2 लाख आंगनवाड़ीज, तो ये यहाँ पे लिखा है ना, मैं इसको डार्क कर देता हूँ, तो 2 लाख आंगनवाड़ीज को सक्षम आंगनवाड़ीज में अपग्रेड किया जाएगा ना। तो ये अभी हम इंक्लूसिव वाला पे चल रहे हैं सेकंड पे, तो उसमें अब आ रहा है हर घर नल से जल। अब ये स्कीम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें आपने सुना 2024 तक सभी हर घर तक जल पहुंचना चाहिए, इसमें 55 लीटर जो वाटर है ईच इंडिविजुअल को मिलेगा। इस ये स्कीम आप पढ़ लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। तो ₹60,000 करोड़ एलोकेटेड टू कवर 3.8 करोड़ हाउस होल्ड इन 2022-23, ठीक है। तो इसमें से आपसे ये पूछा जा सकता है कि 2022-23 में इस स्कीम के लिए कितना रुपये जो है अलॉट हुए हैं, वो है ₹60,000 करोड़। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है एग्जाम्स में, ऐसे क्वेश्चन काफ़ी आते हैं कि इस स्कीम को बजट जो बजट है उसमें कितना अनाउंसमेंट हुआ, कितने रुपीज़ दिए गए, तो वो है 60,000 करोड़, ठीक है। अब इसमें ही ये क्वेश्चन और बनेगा कि 60,000 करोड़ रुपीज़ दिए गए तो कितने लोग इससे कवर होंगे, वो है 3.8 करोड़ हाउस होल्ड, लोग नहीं है हाउस होल्ड है, तो मतलब लोग को ज़्यादा कवर हो गए, 3.8 करोड़ अगर हाउस होल्ड है तो लोग तो ज़्यादा हो गए, मतलब अगर 5 का भी एवरेज है तो अराउंड 17 करोड़ लोग पीपल, ठीक है। अब इंक्लूजन में हम नेक्स्ट पे चलते हैं, हाउसिंग फॉर ऑल, इसमें है ₹48,000 करोड़ अलोकेटेड फॉर कंप्लीशन ऑफ 60 लाख हाउसेज इन 2022-23 अंडर पीएम आवास योजना, ठीक है। अब फिर यही ये स्कीम का जो हाउसिंग वाला स्कीम है इसमें कितना अलॉटमेंट हुआ है, तो फिर से ये क्वेश्चन बनता है यहाँ पे, है ना। तो ₹48,000 करोड़ अलोकेट हुए हैं पीएम आवास योजना में 2022-23 में, ठीक है। अब इस 48,000 करोड़ से जो घर बनेंगे वो कितने घर बनेंगे, 80 लाख हाउसेज, तो यहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं इस लाइन में, तो कितना बजट अनाउंस हुआ पीएम आवास के लिए 22-23 के लिए, वो है 48,000 करोड़, और कितने घर इससे बनेंगे वो है 80 लाख हाउसेज, है ना, ठीक है। आपको दोनों जो जो डाटा है वो याद रखना है, ठीक है। अभी इसमें इंक्लूसिव वाले में हम चल रहे हैं, अभी नेक्स्ट है प्राइम मिनिस्टर्स डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन, ठीक है। आपको पता होगा नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट एक मिनिस्ट्री भी अलग से है, जिसके मिनिस्टर हैं जितेंद्र सिंह, है ना। तो न्यू स्कीम ऑफ पीएम डेवलपमेंट INE लॉन्च टू फंड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सोशल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इन नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। तो ये एक अब आपसे पूछ सकते हैं कि जो नॉर्थ ईस्ट एरिया है उसको डेवलपमेंट के लिए एक कौन सी स्कीम लॉन्च की गई है, तो वो है PMDV INE, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या है, प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन, ये अपने आप में एक क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। एंड इनिशियल एलोकेशन ऑफ ₹1,500 करोड़ मेड टू इनेबल लाइवलीहुड एक्टिविटीज फॉर यूथ एंड वुमन अंडर द स्कीम। अब अभी इसका स्कीम का आउटले आ गया कि इसमें स्टार्टिंग में कितना आउटले इसका लोकेशन रखा गया, वो है ₹1,500 करोड़ मेड टू इनेबल लाइवलीहुड एक्टिविटीज फॉर यूथ एंड वुमन। अभी आपको अगर कोई इसमें डीप में चला गया तो ये भी पूछ सकता है कि जो 1500 करोड़ का जो लोकेशन है इसके बेनिफिशरी कौन है, वो है यूथ एंड वुमन, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, ठीक है, वाइब्रेंट विलेज ये देख लेते हैं, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम फॉर डेवलपमेंट ऑफ बॉर्डर विलेज विद स्पर्स पॉपुलेशन लिमिटेड कनेक्टिविटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन द नॉर्थन बॉर्डर। जो बॉर्डर एरियाज होते हैं अपने, तो उसमें जो मतलब जो रोड्स वगैरह होती हैं उसकी सुविधा कम होती है, तो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम में क्या होगा, जो बॉर्डर एरियाज के जो विलेज हैं उनको कनेक्ट किया जाएगा, एक तो रोड्स बनाए जाएंगे और दूसरे जो इंफ्रास्ट्रक्चर स्कूल है, हेल्थ के रिलेटेड जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बनाया जाएगा, ठीक है। अभी इंक्लूसिव पे इतना हो गया, अभी हम इंक्लूसिव में नेक्स्ट टॉपिक है वो है बैंकिंग, बैंकिंग पे आते हैं। तो बैंकिंग में क्या अनाउंसमेंट हुआ बजट 2022 में, उसके बारे में बताया हुआ। अभी आप इसको अभी रिसेंटली इसमें एक अनाउंसमेंट हुआ, जो 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स है ना, ये अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च किया था, है ना। अभी इसका अनाउंसमेंट तो बजट में हुआ था, लेकिन अभी इसका अनाउंसमेंट, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है और आपसे एग्जाम में पूछा सकता है। 100% ऑफ 1.5 लाख पोस्ट ऑफिसर्स टू कम ऑन द कोर बैंकिंग सिस्टम। कोर बैंकिंग सिस्टम क्या होता है, CBS होता है, जैसे CBS, जैसे बैंकों में से फिनाकल करके एक सॉफ्टवेयर होता है, एक बैंक CS होता है, डिफरेंट सॉफ्टवेयर होते हैं जिसके थ्रू पूरा एक बैंक होता है उसका पूरी ब्रांचेज वगैरह कनेक्टेड होती हैं, और कहीं पर भी आप ट्रांजेक्शन करो तो आपको पूरा, आप कहीं पर भी उस बैंक के इंटरनेट वगैरह
इंटरनेट जो बैंकिंग होती है उसके माध्यम से उसको देख सकते हो, उसको बोलते हैं CBS, कोर बैंकिंग सिस्टम। ठीक है, तो 1.5 लाख पोस्ट ऑफिसेज है। अभी पोस्ट ऑफिस में क्या होता था कि अभी तक जो मतलब उसमें जो मैनुअली काम होता था, जो भी फॉर्म भर के देने होते थे, तो अभी कंप्यूटर लगे थे लेकिन उनको आपस में जुड़ा हुआ नहीं था। मतलब आप एक पोस्ट ऑफिस में जो भी ट्रांजेक्शन करोगे वो दूसरे पोस्ट ऑफिस में आपको शायद ना दिखे। ठीक है, लेकिन इस CBS के माध्यम से क्या हो जाएगा, अब आप एक अपना ट्रांजेक्शन करते हो वो सभी जगह देख सकते हो। मतलब जो बैंकों में जो फैसिलिटीज़ अवेलेबल थी वही अभी पोस्ट ऑफिस में भी मिलने लग जाएगी। ठीक है, मतलब 100% ये काम कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक टू सेटअप 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स इन 75 डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, अब ये रिसेंटली जो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने इसको लॉन्च किया था, है ना। तो 75 डिस्ट्रिक्ट में 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स जो कॉमर्शियल बैंक हैं वो इसको लॉन्च कर रही हैं। तो कितनी बैंकिंग यूनिट्स हैं, 75, कितने डिस्ट्रिक्ट में हुआ है, 75 डिस्ट्रिक्ट में। लॉन्च इसको कौन स्पॉन्सर कर रहा है, वो है शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि इसको कोऑपरेटिव बैंक कर रही हैं, RRB कर रही हैं, पोस्ट ऑफिस कर रहा है, क्योंकि पोस्ट ऑफिस का भी एक अनाउंसमेंट है, तो ये कन्फ्यूज करने के लिए आपसे पूछा जा सकता है। तो कॉमर्शियल बैंक कर रही है। ठीक, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इनक्लोजर में हम चल रहे हैं, जो सेकंड पॉइंट था ना, जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, वो है ई पासपोर्ट। ठीक है, ई पासपोर्ट विद एम्बेडेड चिप्स एंड फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी टू बी रोल्ड आउट। मतलब जो पासपोर्ट है उसको थोड़ा और अपग्रेड किया जाएगा। ठीक है, अर्बन प्लानिंग। ठीक है, अर्बन प्लानिंग में क्या होने वाला है, मॉडर्नाइजेशन ऑफ बिल्डिंग बायलाज, टाउन प्लानिंग स्कीम्स एंड ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट TOD विल बी इम्प्लीमेंटेड। मतलब उसमें कुछ नए टेक्नोलॉजी जैसे वो लाई जाएंगी और उसको जो बायलाज है उनको मॉडर्नाइज किया जाएगा, ये चीज़ होने वाली है। तो इसमें मुझे ऑब्जेक्टिव के हिसाब से तो कुछ इंपॉर्टेंट लग नहीं रहा, लेकिन आप कोई ऐसे वगैरह लिखते हैं तो इसमें आप ये चीज़ लिखेंगे तो आपका आंसर इफेक्टिव होगा। ठीक है, बैटरी और ये चीज़ें आपको इंटरव्यू में भी पूछी जा सकती हैं। जो भी बैंक्स के या जो भी NABARD के या RBI के इंटरव्यू होते हैं उनमें बहुत बार इकोनॉमिक सर्वे और जो अपना बजट होता है उससे चीज़ें पूछी जा सकती हैं कि अर्बन प्लानिंग में बजट में क्या अनाउंसमेंट हुआ, तो ये आपके ध्यान में होना चाहिए। ठीक है, बैटरी शेपिंग फैसिलिटी पॉलिसी टू बी ब्रॉड आउट फॉर सेटिंग ऑफ चार्जिंग स्टेशन एट स्केल इन अर्बन एरियाज। अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल का काफ़ी चल रहा है, काफ़ी लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीद रहे हैं, गवर्नमेंट भी इस पर काफ़ी पुश कर रही है। तो इसमें अब इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रमोट करोगे तो उसका चार्जिंग, मतलब उसका फ्यूल, उसका इनपुट तो इलेक्ट्रिसिटी है, ना कि जो ट्रेडिशनल जो अपने व्हीकल होते हैं उसमें पेट्रोल और डीजल डलता है। तो इसके लिए जो चार्जिंग फैसिलिटी है वो भी प्रोवाइड होनी चाहिए, ताकि तभी तो लोग उसको परचेज करेंगे ना। तो बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी टू बी ब्रॉट आउट फॉर सेटिंग ऑफ चार्जिंग स्टेशन एट स्केल इन अर्बन एरियाज। एटलीस्ट ये अर्बन एरियाज में तो काफ़ी जगह होना ही चाहिए, ताकि इसके जो इसको प्रमोट किया जा सके। ठीक है, अभी लैंड रिकॉर्ड मैनेजमेंट, यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर फॉर IT बेस्ड मैनेजमेंट ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स। मतलब जो भी लैंड रिकॉर्ड्स हैं उनको डिजिटाइज करके फिर उनका एक यूनिक नंबर दिया जा सकता है, तो जो भी इन्वेस्टमेंट है या परचेज एंड सेल है उसमें आसानी रहे। एक्सेलरेटेड कॉरपोरेट एग्जिट, सेंटर फॉर प्रोसेसिंग एक्सेलरेटेड कॉरपोरेट एग्जिट टू बी एस्टैब्लिश्ड फॉर स्पीडी वाइंडिंग ऑफ कंपनीज। ठीक है, तो ये हम इंक्लूसिव वाले पॉइंट में डिस्कस कर रहे हैं। ये है जो कंपनीज के से रिलेटेड है, कि जो एक तो जैसे कि NPA वगैरह से आजकल काफ़ी कंपनीज वाइंडिंग अप हो रही हैं, तो उसके लिए एक लॉन्च किया गया है सेंटर फॉर प्रोसेसिंग एक्सेलरेटेड कॉरपोरेट एग्जिट। मतलब आप कंपनी इजिली वाइंड अप हो जाए, आपको पता होगा कि इंडिया के जो लॉज हैं उसके वजह से क्या होता है कि कंपनी वाइंड अप होने में भी काफ़ी टाइम लग जाता है। उसके मतलब उसके कारण क्या है कि जो उसके क्रेडिटर्स होते हैं, जैसे बैंक वगैरह होते हैं, वो अपना लोन वसूल नहीं कर पाते, क्योंकि काफ़ी टाइम होने से उसके जो एसेट्स होते हैं वो काफ़ी डिटेरियोरेट हो जाते हैं, उसकी वजह से वो उतना उसको बेच के उतना पैसा मिलता ही नहीं है कि वो अपना लोन की भरपाई कर सकें। तो इस प्रोसेस को अगर जल्दी कर दिया जाए तो एक जो भी दूसरा कोई खरीदार है उसको बेच के वो उतना अमाउंट आ जाए कि लोन जितना लोन बैंक्स ने उस कंपनी को दिया था। ठीक है, तो इस CPSE ये फुल फॉर्म इसका ध्यान रखिए, ये पूछ सकते हैं कि एक तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ सकता है CPS रिलेटेड टू, तो ये कंपनी से रिलेटेड है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या है, सेंटर फॉर प्रोसेसिंग सिलेक्टेड कॉरपोरेट एग्जिट। ठीक है, एक सेंटर एस्टेब्लिश होगा ऐसा जो कंपनी के वाइंड अप में उनको स्पीड अप करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। AVGC प्रमोशन टास्क फोर्स। तो अब यही AVGC क्या होती है, AVGC है एनिमेशन विजुअल इफेक्ट्स गेमिंग एंड कॉमिक। ठीक है, एनिमेशन विजुअल इफेक्ट्स गेमिंग एंड कॉमिक प्रमोशन टास्क फोर्स टू बी सेटअप टू रियलाइज द पोटेंशियल ऑफ दिस सेक्टर। अभी गेमिंग है, विजुअल इफेक्ट्स हैं, ग्राफिक्स है, एनिमेशन है, इसमें काफ़ी काम हो रहा है और ये भी एक सेपरेट इंडस्ट्री बन गई है। तो इसको इसका पोटेंशियल के लिए ये एक टास्क फोर्स बनाई है कि जो कि इसकी
मतलब इसमें इसको एनालाइज करेगी कि इसमें कितना पोटेंशियल है और उस पर गवर्नमेंट क्या पॉलिसी बना सकती है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, AVGC क्या है, इसका एनिमेशन विजुअल इफेक्ट्स गेमिंग एंड कॉमिक, ये भी एक क्वेश्चन बनता है यहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं टेलीकॉम सेक्टर। टेलीकॉम सेक्टर से के रिलेटेड बजट में क्या अनाउंसमेंट हुआ वो हम यहाँ देख लेते हैं ना। अब इसमें 5G, अब आप अभी प्रेजेंट में अगर ये वीडियो देख रहे हो तो आप चीज़ों को रिलेट कर पा रहे होंगे ना। जैसे अभी अपन एक तो 75 डिजिटल यूनिट्स बैंकिंग यूनिट्स वाला देखा, तो वो अभी लॉन्च हुआ है ना, वो न्यूज़ में है, और अभी ये 5G भी अभी लॉन्च हुआ है ना, तो ये इससे रिलेटेड न्यूज़ है। एक चीज़ और गवर्नमेंट ने लॉन्च की थी, अभी आपने पढ़ा था, अब मेरे ध्यान में नहीं आ रही, आप कमेंट कीजिए, ठीक है, आपको ध्यान में आया तो। टेलीकॉम सेक्टर में क्या है, स्कीम फॉर डिजाइन लेड मैन्युफैक्चरिंग टू बी लॉन्च टू बिल्ड ए स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम फॉर 5G एज पार्ट ऑफ प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम, ठीक है। तो टेलीकॉम में जो PLI स्कीम हमने डिस्कस करी थी, तो इसमें जो डिजाइन लेड मैन्युफैक्चरिंग है उसको लॉन्च किया जाएगा एक स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम बनाने के लिए 5G के लिए, ठीक है। अभी देख लेते हैं एक्सपोर्ट प्रमोशन में क्या काम हो रहा है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स एक्ट टू बी रिप्लेस्ड विद ए न्यू लेजिस्लेशन टू इनेबल स्टेट्स टू बिकम पार्टनर्स इन डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्राइजेज एंड सर्विस हब्स। अभी इस पे भी ये भी करंट में चल रहा है, जो SEZ हुआ करते थे जो काफ़ी टाइम पहले इंडिया में शुरू हुआ था, उसका नाम चेंज हुआ है और ये सर्विस हब्स करके DESH है ना, तो ये डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्राइज एंड सर्विस हब्स के नाम से वो गवर्नमेंट इसको अभी अनाउंस किया है ना, तो SEZ को अभी जाना जाएगा डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्राइज एंड सर्विस हब DESH, ठीक है। तो इसमें आपका क्वेश्चन बनता है, आपसे पूछा जा सकता है कि SEZ थे अभी उसको गवर्नमेंट किस मतलब उसको किस चीज़ में कन्वर्ट किया, मतलब वो किस नाम से जाने जाएंगे, तो वो है DESH। DESH क्या है, डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्राइजेज एंड सर्विस हब्स, ठीक है। अभी फिर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है आत्मनिर्भर इंडिपेंडेंस, ठीक है। तो इसमें 68% ऑफ कैपिटल प्रोक्योरमेंट बजट एंड मार्क फॉर डोमेस्टिक इंडस्ट्री इन 2022-23 अप फ्रॉम 58% इन 2021-22। तो अभी आपने देखा हो डिफेंस में जो काफ़ी जो मतलब जो टैंक्स हैं जो और डिफरेंट जो एलिमेंट्स हैं, तो वो डोमेस्टिक कंपनियों से ही प्रोक्योर डिफेंस कर रही है ना, मतलब जो इंपोर्ट करता था फॉरेन कंट्री से वो बहुत कम हो रहा है, तो इसमें इंक्रीज हुआ है ना। पहले ये 58% था, अभी ये 68% ऑफ कैपिटल प्रोक्योरमेंट बजट इन मार्क फॉर डोमेस्टिक इंडस्ट्री, मतलब डोमेस्टिक जो कंपनी है उन्हीं से ही 68% चीज़ें हैं वो प्रोक्योर की जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, डिफेंस R&D टू बी ओपनड अप फॉर इंडस्ट्री स्टार्टअप एंड अकेडमी, अभी 25% ऑफ डिफेंस R&D बजट इन मार्क, ठीक है, 25% बजट है वो उसमें लगाया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें डिफेंस इंडिपेंडेंट नोडल अम्ब्रेला बॉडी टू सेटअप फॉर मीटिंग टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेशन रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट नोडल अम्ब्रेला बॉडी बनाई जाएगी टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन के लिए डिफेंस में, ठीक है। सनराइज अपॉर्चुनिटीज, गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन टू बी प्रोवाइड फॉर R&D इन सनराइज अपॉर्चुनिटीज लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जियोस्पेशल सिस्टम्स, ड्रोन्स, सेमीकंडक्टर एंड इट्स इकोसिस्टम, स्पेस इकोनॉमी, जीनोमिक्स, फार्मास्यूटिकल्स, क्लीन एनर्जी एंड क्लीन मोबिलिटी सिस्टम्स। तो गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करेगी कि एक R&D सिस्टम ऐसा बने ताकि जो सनराइज अपॉर्चुनिटीज हैं उस पर काम हो सके, ठीक है। तो डिफरेंट है ये, इतना आई थिंक MCQ के लिए तो इतना वो नहीं है, ठीक है। अभी नेक्स्ट देख लेते हैं एनर्जी ट्रांजिशन एंड क्लाइमेट एक्शन। एडिशनल एलोकेशन ऑफ ₹19,500 करोड़ फॉर PLI प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाई एफिशिएंसी सोलर मॉड्यूल्स टू मीट गोल ऑफ 280 GW ऑफ इंस्टॉल्ड सोलर पावर बाय 2030, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन बनता है, एक तो कि कितने रुपीज़ हैं वो हाई एफिशिएंट सोलर मॉड्यूल्स में जो PLI स्कीम है उसके लिए एलोकेशन हुआ है, तो वो है ₹19,500 करोड़, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसमें ये क्यों अनाउंस किया है कि इसमें जो एक तो रिक्वायरमेंट है सोलर मॉड्यूल्स की, क्योंकि जो सोलर पावर से जो 2030 तक जिसका टारगेट है वो है 280 GW, तो इसको अचीव करने के लिए अपने को सोलर मॉड्यूल्स ही, अभी आपको पता होगा प्रेजेंट में जो सोलर मॉड्यूल्स हैं मोस्टली अपने इंडिया में चाइना से आते हैं, तो ये आत्मनिर्भर आपने पढ़ा होगा, आत्मनिर्भर में ये सारे काम हो रहे हैं, तो ये सोलर मॉड्यूल्स भी अपने यहीं बनेंगे, है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं 5-7% बायोमास पैलेट्स टू बी कोफायर्ड इन थर्मल पावर प्लांट्स। अभी आपको पता होगा ट्रेडिशनली जो थर्मल पावर प्लांट्स हैं वो कोल से चलते हैं ना, तो उसको एक अल्टरनेट फ्यूल भी होता है, वो होता है पैलेट्स, है ना। पैलेट्स में क्या होता है, जो भी अपना कचरा होता है जैसे कि बायोमास है, ये जो एग्रीकल्चर वेस्ट है, जैसे अभी आपने देखा होगा जो दिल्ली पोल्यूशन में जो पंजाब में जो लोग उसको जला देते हैं पराली को और उनको, उनसे पोल्यूशन होता है, तो उसका अल्टरनेट ये है कि उस पराली से आप पैलेट्स बनाइए, बना के फिर उनको थर्मल पावर प्लांट में आप भेजिए, ठीक है। एक तो पॉल्यूशन कम होगा,
दूसरा एक अल्टरनेट फ्यूल मिल जाएगा, तो जो अपना इम्पोर्ट का जो बिल है जो बहुत ज़्यादा है वो कम हो जाएगा। ठीक, कितने फायदे हैं इसे, है ना। इसमें एक सी ओ टू सेविंग है वो 38 MMT एनुअली होगी, इतनी सी ओ टू कम होगी, है ना। एक्स्ट्रा इनकम टू फार्मर्स एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज टू लोकल्स, ठीक है। इसमें फार्मर्स को एक्स्ट्रा जॉब अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगी और उनके लिए इनकम का सोर्स भी बढ़ेगा। अभी जैसे कि वो पराली को जला रहे हैं तो उससे कोई पैसे तो मिल नहीं रहे हैं, उनसे पोल्यूशन हो रहा है वो अलग से। अब आप उसको बेचोगे, अगर पैलेट्स थर्मल पावर प्लांट में बनाओगे तो एक्स्ट्रा इनकम भी मिलेगी उनको। अभी रिसेंटली पंजाब में एक ऐसा प्लांट भी बना है जिसमें ये पैलेट्स बनेंगी, ये करंट अभी न्यूज़ में था कुछ दिनों पहले। हेल्प अवॉइड स्टबल बर्निंग एंड एग्रीकल्चर फील्ड्स, ये तो हमने पहले देख लिया, ठीक है। और पायलट प्रोजेक्ट टू बी सेटअप फॉर कोल गैसिफिकेशन एंड कन्वर्जन ऑफ कोल इनटू केमिकल फॉर इंडस्ट्री, है ना। ये केमिकल को सॉरी कोल को केमिकल में बदल के फिर उसका और पायलट प्रोजेक्ट सेटअप होंगे, है ना। इसके नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। फाइनेंशियल सपोर्ट टू फार्मर्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स हु वांट टू टेक अप एग्रोफॉरेस्ट्री। अभी एग्रोफॉरेस्ट्री क्या होता है, अब एक तो खेती करते इसमें वीट होता है, पेड़ी होता है, एग्रोफॉरेस्ट्री मतलब जहाँ पे आप फॉरेस्ट भी लगा रहे हो, कुछ पेड़ भी लगा रहे हो, उसके साथ खेती भी कर रहे हो, तो उसके लिए उस एस सी और एस टी के जो लोग हैं उनको फाइनेंशियल सपोर्ट गवर्नमेंट करेगी, ठीक है, जो एग्रोफॉरेस्ट्री को ऑप्ट करते हैं, ठीक है। अभी इंक्लूजिव में है, नेक्स्ट हम चलते हैं पब्लिक कैपिटल इन्वेस्टमेंट। तो इसमें पहला पॉइंट है पब्लिक इन्वेस्टमेंट टू कंटिन्यू टू प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एंड डिमांडिंग 2022-23। तो इसमें जो इन्वेस्टमेंट है वो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट और डिमांड के हिसाब से 2022-23 में होगा। आउटले फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर स्टेप्ड अप शार्पली बाई 35.4% टू ₹7.5 लाख करोड़। अब ये पॉइंट है, इससे काफ़ी आपके दो दिन क्वेश्चन बन सकते हैं इस एक लाइन से। जो एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है, जो बजट का जो कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है ना, कैपिटल एक्सपेंडिचर में असेट की रेट होती है, तो कैपिटल बजट में एक्चुअली अपना कम रहता है क्योंकि अपना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इतना ज़्यादा होता है कि कैपिटल पे एक्सपेंड करने के लिए बहुत कम पैसे बचते हैं, पर गवर्नमेंट इसको इंक्रीज़ कर रही है, ठीक है। तो इस साल जो बजट में है वो 7.5 लाख करोड़ हुआ 2022-23 के लिए, ठीक है। पिछले साल कितना था, 0.5 लाख करोड़। अब ये तीनों इसमें फिगर है ना वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो अभी इस कितना है वो है ₹7.5 लाख करोड़ कैपिटल एक्सपेंडिचर, पिछले साल कितना था 5.5 लाख करोड़, और इंक्रीज़ कितने से हुआ, इंक्रीज़ हुआ 35.4% से, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आउटले इन 2022-23 टू भी 2.9% ऑफ GDP। अभी ये उसी के नेक्स्ट मतलब उसी से एडेड ही है कि ये टोटल GDP का कितने परसेंटेज है, तो वो है 2.9%। क्या चीज़ है 2.9% ऑफ GDP की, जो ₹7.50 लाख करोड़ था वो जो टोटल GDP का 2.9% है, ठीक है। इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एस्टिमेटेड एट ₹10.68 लाख करोड़ इन 2022-23 विच इज़ अबाउट 4.1% ऑफ GDP। और ये इफेक्टिव कितना होगा, बजट में तो अनाउंस हुआ भाई वो हुआ 7.50 लाख करोड़, ठीक है, लेकिन इफेक्टिव कितना होगा, वो होगा 10.68 लाख करोड़, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये GDP कितना है, 4.1%, ठीक है। चलिए अभी नेक्स्ट देख लेते हैं। गिफ्ट IFSC वर्ल्ड क्लास फॉरेन यूनिवर्सिटीज एंड इंस्टीट्यूशन टू बी अलाउड इन गिफ्ट सिटी। अब गिफ्ट सिटी कहाँ है, गांधीनगर में है, गुजरात में, ठीक है। तो जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज हैं, इंस्टीट्यूशन हैं, उनको अलाउ किया जाएगा कहाँ पे, गिफ्ट सिटी में, ठीक है। एक सेकेंड, नेक्स्ट चलते हैं। एंड इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर टू बी सेटअप फॉर टाइमली सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स अंडर इंटरनेशनल जुरिस्डिक्शन, ठीक। अभी बजट में एक इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर को सेटअप करने की बात भी बोली गई है, ठीक है। सॉरी, नेक्स्ट देखते हैं। मोबिलाइजिंग रिसोर्सेज का क्या मतलब है, इनपुट आप जो भी है, रॉ मटेरियल है, उसको कैसे मोबिलाइज करते हो, ठीक है। डाटा सेंटर्स एंड एनर्जी स्टोरेज सिस्टम टू बी गिवन इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस। अब डाटा सेंटर्स आजकल काफ़ी डिमांड, अभी ये भी एक करंट में न्यूज़ में था, नोएडा में जो UP के CM है योगी आदित्यनाथ, उन्होंने नोएडा में एक डाटा सेंटर का अनाउंसमेंट किया है, लॉन्च किया, ठीक है। तो डाटा सेंटर्स हैं और एंड एनर्जी स्टोरेज सिस्टम है, उसको इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस दिया जाएगा। अभी इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस देने का फ़ायदा क्या है, क्योंकि जो भी सेक्टर्स इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस जिनको मिला हुआ है, उनको काफ़ी स्टेट गवर्नमेंट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट्स की ओर से
की ओर से काफ़ी रियायतें मिली हुई हैं, मतलब उन पे टैक्स वगैरह कम लगेगा, दूसरे उनको कुछ बेनिफिट मिलेंगे, सब्सिडी मिलेगी। तो ये अभी काफ़ी पोटेंशियल सेक्टर है डाटा सेंटर एंड एनर्जी स्टोरेज का। इसको इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस देने की बात बोली है बजट 2022-23 में। ठीक है, अभी नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। वेंचर कैपिटल एंड प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टेड मोर देन ₹5.5 लाख करोड़ लास्ट ईयर, फैसिलिटेटिंग वन ऑफ द लार्जेस्ट स्टार्टअप एंड ग्रोथ इकोसिस्टम, मेजर्स टू बी टेकन टू हेल्प स्केल अप दिस इन्वेस्टमेंट। इसमें ये क्या बोला गया है, जो भी अपना स्टार्टअप्स हैं उनमें जो वेंचर कैपिटल और प्राइवेट इक्विटी है, तो वो कितना इन्वेस्टमेंट हुआ था उसका लास्ट ईयर में, 5.5 लाख करोड़। और गवर्नमेंट चाहती है कि भाई इसको हम और बढ़ाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है ब्लेंडेड फंड्स टू बी प्रमोटेड फॉर सनराइज सेक्टर्स। ब्लेंडेड फंड्स मतलब अलग अलग मिला के फिर उनको जो इम्पोर्टेंट सेक्टर हैं, पोटेंशियल सेक्टर हैं, उनको उनको फंड किया जाएगा। ठीक है, सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स टू बी इश्यूज टू मोबिलाइज रिसोर्स फॉर ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर। सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स मतलब जैसे बॉन्ड है, बॉन्ड के थ्रू क्या होता है, गवर्नमेंट पैसे रेज करती है मार्केट से। ठीक है, तो जो ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या आएगा, जिससे जैसे कि मतलब CO2 वगैरह इमिट ना हो, जैसे कि सोलर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है, विंड से इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है, या और कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है जो ग्रीन है, मतलब जिससे पोल्यूशन नहीं होता हो, उसके लिए गवर्नमेंट क्या करेगी, सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स इशू करेगी। ठीक है, डिजिटल रुपी, अभी ये भी RBI ने कल ही मतलब 2 दिन पहले की न्यूज़ है, एक पायलट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया, तो वो बजट में अनाउंसमेंट था उसका, है ना। तो RBI ने अभी उसको किया, सेंट्रल CBDC, आपने सुना होगा ना, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, इंट्रोडक्शन ऑफ डिजिटल रुपी बाई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्टार्टिंग 2022-23। ठीक है, वो अभी लॉन्च हुआ है ना, तो आप रिलेट कर रहे हो, है ना, अभी हम इसको पढ़ रहे हैं, तो आपको याद रखने में थोड़ी आसानी होगी, और आप ये भी इसको मतलब आपको ये भी लगेगा कि ये चीज़ एग्ज़ाम में किस तरीके से आ सकती है और कितनी इंपॉर्टेंट है, मतलब बजट में ये मेंशन था और ये करंट अफेयर्स में भी है, तो मतलब वो चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रोवाइडिंग ग्रेटर फिस्कल स्पेस टू स्टेट्स। ठीक है, तो स्टेट्स को जो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या फिस्कल उनके बीच में क्या रिलेशन है, उनमें कितना पैसा मिल रहा है, ठीक है, उसके बारे में ये बताया गया है। तो इनहेंस्ड कैपिटल सॉरी इनहेंस आउटले फॉर स्कीम फॉर फाइनेंशियल असिस्टेंट टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ये स्कीम का नाम है ना, ये ध्यान रखना आप, स्कीम फॉर फाइनेंशियल असिस्टेंट टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट। ये क्या है, फ्रॉम ₹10,000 करोड़ इन बजट एस्टिमेट्स टू ₹15,000 करोड़ इन रिवाइज एस्टिमेट्स फॉर करंट ईयर। मतलब 10,000 करोड़ देने जाने थे, लेकिन दिए कितने, 15,000 करोड़। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है अलोकेशन ऑफ ₹1 लाख करोड़ इन 2022-23 टू असेट्स सॉरी टू असेट द स्टेट्स इन कैटलाइजिंग ओवरऑल इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी, फिफ्थ ईयर इंटरेस्ट फ्री लोन ओवर एंड अबोव नॉर्मल बोरिंग। अब इस पॉइंट का क्या मतलब है कि गवर्नमेंट जो इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स हैं, तो उसमें 5 ईयर के इंटरेस्ट फ्री लोन गवर्नमेंट ने दिया है, गवर्नमेंट दोगी है, मतलब अलोकेट करेगी 2022-23 के लिए, ये बजट में बताया गया था, है ना, कितना 1 लाख करोड़ रुपीज़, और ये स्टेट्स को देगी, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट्स को, कितने साल के लिए, 5 ईयर के लिए, और वो भी इंटरेस्ट फ्री है, ताकि वो जो अपने कैपिटल इन्वेस्टमेंट है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकें। ठीक है, आपको पता होगा स्टेट गवर्नमेंट्स का जो इन्वेस्टमेंट वगैरह होता है वो बहुत कम होता है, इसलिए उसको इन्हेंस करने के लिए गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये काम किया था, है ना। तो कितना रुपीज़ देगी 2022-23 में, 1 लाख करोड़। ठीक है, कितने साल के लिए, 5 साल के लिए, और ये इंटरेस्ट फ्री होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इन 2022-23 स्टेट्स विल बी अलाउड ए फिस्कल डेफिसिट ऑफ 4% ऑफ GSDP ऑफ 0.5% विल बी टाइड टू पावर सेक्टर रिफॉर्म्स। अब ये चीज़ आप देख लेना, है ना, इसमें क्या है, 2-3 चीज़ें हैं, जैसे वो म्यूनिसिपलिटी में कुछ काम करने पे उसको इतना परसेंट मिलेगा, पावर सेक्टर में रिफॉर्म्स के लिए 0.5% रहेगा, ऐसे करके टोटल 4% मतलब फिस्कल डिफिसिट, उसमें जो उनका GDP उधर फिस्कल डिफिसिट हर गवर्नमेंट घाटे में ही है, तो वो घाटे का एक लिमिट होता है एक्चुअली, आपने FRPM एक्ट पढ़ा होगा, उसमें स्टेट गवर्नमेंट्स का भी दिया हुआ था कि इतने परसेंट तक उनकी होनी चाहिए हेल्थी, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या बोला, आप 4% तक भी आपकी जो डिफिसिट है वो फिस्कल डिफिसिट रह सकती है, बशर्ते आप क्या करें, आप कुछ सेक्टर में रिफॉर्म्स करें, जैसे कि पावर सेक्टर में रिफॉर्म्स करना है तो 0.5%, है ना। इसमें 3-4 रिफॉर्म्स करने थे, वो मेरे अभी एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन आप चारों देख लेना, 0.5% एक में 1% है, ऐसे करके वो 4% होता है ना। ठीक है, तो आप उसको देख लीजिए। ठीक है, फिस्कल मैनेजमेंट, तो भैया ये बजट कितने का था लास्ट ईयर का, बजट एस्टिमेट कितने का था, 34.83 लाख करोड़ का था, 21-22 की बात हो रही है ना, रिवाइज एस्टिमेट्स कितना है, तो फाइनली बजट कितने का था, 37.70 लाख करोड़। ठीक है,
अभी टोटल एक्सपेंडिचर जो 2022-23 के लिए एस्टिमेट कितना हुआ है वो है 39.5 करोड़। ठीक है, तो आपसे कोई पूछे कि इस साल का जो बजट है अपना कितना उसका साइज है, ये सबको पता होना चाहिए। ये है 39.45 लाख करोड़। ठीक है, ये फिगर है ना, ये ध्यान में रखिए। ये आपको इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है कि बजट का साइज़ क्या है। ठीक है, टोटल रिसीव्ड अदर देन बोरिंग इन 2022-23 एस्टिमेटेड एट 22.84 लाख करोड़। रिसिप्ट बजट में क्या होता है, रिसिप्ट होती है और मतलब एक्सपेंडिचर होता है ना, तो जो बोरोइंग से कितना पैसा आएगा आपको पता होगा, इंडिया अपने काफ़ी बोरो करता है, जो डिफरेंट उसके इंटरनल बोरिंग है, एक्सटर्नल तो बहुत कम होती है, लेकिन इंटरनल बोरिंग इंडिया जैसे कि RBI के थ्रू आपने सुना होगा ना, जो 5 ईयर्स के बॉन्ड होते हैं है ना, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जिनको बोलते हैं। ठीक है, तो टोटल रिसिप्ट अदर देन बोरिंग, और सॉरी 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 मैंने गलत बोल दिया, बोरिंग इसके अलावा है ना, अदर रिसिप्ट कौन सी हो गई, GST हो गई, इनकम टैक्स हो गया, आपके जो भी रिसिप्ट हैं उसका टोटल है ₹22.84 लाख करोड़, और इसके अलावा होगा वो होंगी बोरोइंग। ठीक, फिस्कल डेफिसिट ऑफ करंट ईयर 6.9% ऑफ GDP अगेंस्ट 6.8% इन बजट एस्टिमेट्स। फिस्कल डेफिसिट अभी कितना रहा था जो 21-22 का बताया है, 6.9% ऑफ GDP अगेंस्ट 6.8% इन बजट एस्टिमेट। एस्टिमेट कितना था, 6.8 का था, रहा कितना था, 6.9 का है। 2022-23 में कितना रहेगा, वो रहेगा 6.4%। ये एस्टिमेटेड एस्टिमेट है, एक्चुअल बाद में ये फिगर आएगा जो नेक्स्ट ईयर बजट प्रेजेंट होगा उसमें है ना। फिस्कल डेफिसिट इन 2022-23 है 6.4% ऑफ GDP रहेगा, ऐसे अनुमान है। ठीक है,